साथियों, कई बार हमने नोटिस किया कि पेशेंट का एक कंधा नीचे और एक कंधा ऊपर होता है, गर्दन सीधी होती है, या एक हिप ऊपर एक हिप नीचे होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो रीढ़ की हड्डी का कर्वेचर होता है वो एक साइड झुका हुआ होता है। इस कंडीशन को स्कोलिसिस बोलते हैं। स्कोलिसिस होने के काफ़ी सारे कारण होते हैं। कई बार ये प्रॉब्लम बच्चे को जन्म से होती है, कई बार स्पाइन में किसी तरह का इन्फेक्शन या चोट लग जाने के कारण होती है, और कई बार ये उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते जो हमारे छल्ले सरक जाते हैं, जो हमारे लिगामेंट की प्रॉब्लम हो जाती है स्पाइन में, उसकी वजह से प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जिन्हें करकर आप स्कोलियोसिस से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। साथियों, एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल हमें इस तरह से करना है कि हमें 3 एक्सरसाइज सीधा लेट के करनी है, एक एक्सरसाइज घुटनों के बल करनी है, और एक एक्सरसाइज को खड़े होकर करना है। सबसे पहले एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको इस तरह से दोनों घुटनों को बेंड कर लेना है, और इसके बाद में दोनों पैरों को अपने दोनों हाथों से अलग अलग पकड़ेंगे इसको, और दोनों को अपने दोनों शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे। आप इस तरह से देख सकते हैं कि दोनों जो घुटने हैं वो दोनों कंधों की तरफ लेके जा रहे हैं, और आपको स्पाइन में अच्छा खासा स्ट्रेच महसूस होता है, स्ट्रेच आ रहा है। इसको होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, 5 सेकेंड से होल्ड करके आप इसे पूरा छोड़ देंगे, पैर को आराम से इसे लेग्स पोजिशन लेके आएंगे, और फिर इसे अगेन रिपीट करेंगे। इस तरह से इस एक्सरसाइज को आपको 5 बार रिपीट करना है। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, दोनों पैरों को एक तरफ लेके जाएंगे, बिल्कुल अपोजिट साइड लेके जाएंगे एक तरफ, और आपको गर्दन को लेके आना है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड, यानी दोनों घुटने एक तरफ ले जाएंगे और अपनी गर्दन को उसके अपोजिट साइड लेके जाएंगे। इस पोजिशन को 5 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, एंड देन वापस बीच में आएंगे, और फिर घुटनों को अपोजिट साइड लेके जाएंगे, और फिर गर्दन को इस तरफ लेके जाएंगे। इसे भी आप 5 सेकेंड रोकेंगे, 1 2 3 4 5, एंड देन न्यूट्रल। इस एक्सरसाइज को बोलते हैं स्पाइनल रोटेशन। तो इस एक्सरसाइज को भी आपको 5 बार रिपीट करना है। थर्ड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इसी तरह से घुटनों को मोड़ के रखना है, दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा करेंगे, और अपने ट्रंक को उठाने की कोशिश करेंगे, यानी आपको गर्दन को थोड़ा सा उठाना है, यानी आपके एब्डोमेन मसल्स के लिए है एक्सरसाइज। आपको एब्डोमेन को टाइट करना है, थोड़ा उठने की कोशिश करेंगे, यहाँ कॉन्ट्रेक्शन फील होगा, आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा तनाव महसूस कर रहा है, गर्दन को ज़्यादा ना उठे, गर्दन को सीधा रखें, जितना हो सके स्ट्रेस आपको अपने एब्डोमेन पे पेट के ऊपर महसूस करना है, आपके एब्डोमेन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। इस तरह से 5 सेकेंड से होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, एंड देन न्यूट्रल। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को 5 बार रिपीट करेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज को करने के लिए आपको इस तरह से घुटने और अपने हाथों पर आ जाना है। ध्यान रखें, इस पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए ऐसा मेंटेन करना है कि जैसे आपके कंधे हैं उसके जस्ट नीचे आपकी हथेली हो, और आपका हिप जॉइंट है उसके जस्ट नीचे आपका घुटना हो। इस पोजीशन में आने के बाद आपको सीधा अपनी एडी पे बिल्कुल जाके टिक जाना है, पूरा एडी पे बैठ जाएंगे, और गर्दन को जितना हो सके अपने घुटनों तक लाने की कोशिश करेंगे। एल्बो को आप बेंड कर लेंगे, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए एल्बो को, बिल्कुल रिलैक्स आराम से इस पोजीशन को मेंटेन करना है। इस पोजीशन में आते ही आप देख सकते हैं आपकी पूरी जो स्पाइन है उसमें बढ़िया स्ट्रेचिंग हो जाती है, स्पाइन में किसी तरह का भी कोई बेंड है कर्वेचर है वो स्ट्रेट होने की कोशिश करता है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है, इसे आप 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, एंड देन ध्यान रखें जहाँ आपके हाथ है आपको जस्ट उसी जगह वापस आ जाना है। इस पोजीशन को आप 2 सेकेंड के लिए रोकेंगे, और स्ट्रेच पोजीशन में आने के बाद आप 5 सेकेंड के लिए रोकेंगे। इसे भी आप 5 बार रिपीट करेंगे। फिफ्थ एक्सरसाइज को करने के लिए आपको इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाना है, और अपने हाथ को पूरा स्ट्रेच करेंगे, इस तरह से पूरा ऊपर तरफ खींचेंगे। इससे आपकी कमर, कंधा, कोहनी, कलाई सभी जगह आपको एक अच्छा खासा खिंचाव आएगा। इसे 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, एंड देन इसे नीचे लेके दूसरे हाथ से सेम स्ट्रेच करेंगे, उधर भी आपको सेम स्ट्रेच आएगा, इसे भी आपको 5 सेकेंड रोकना है। साथियों, ये सिंपल एक्सरसाइज है, जिस तरह से हम अंगड़ाई लेते हैं उस तरह की एक्सरसाइज है, लेकिन हमारी जो दिनचर्या है, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, उसमें हम आजकल अंगड़ाई लेना तक भूल गए हैं, इसलिए लोगों की स्पाइन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी है, कमर दर्द बहुत बढ़ने लगा है। तो जो जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है उसको आप स्कोलियोसिस नहीं हो तो भी अगर आप रूटीन में करते हैं तो आपकी स्पाइन की लचीलापन बना रहता है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।